गाइस वेलकम बैक। और आज हमारे विशाल भाई ने हमारे सेटअप के लिए कुछ गिफ्ट लाया है। तो भाई क्या गिफ्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई ये चीज़ लाने के लिए। तो देख सकते हो भाई, ये है वो गिफ्ट जो कि हमारी जो कैटफिश है भाई, कैटफिश के लिए हमें एक मेल की ज़रूरत थी। तो भाई इस मेल की ज़रूरत हमें मतलब कमी हमारी दूर हो गई अभी। तो देख सकते हो यार कितनी बड़ी यार हमारी कैटफिश, जितनी ना है कि उसके बड़ी दिख रही है यार मुझे तो भाई साहब बड़ी यार। चलो अभी से जल्दी से जल्दी छोड़ देते कैटफिश के साथ, निकाल भाई अभी। ओ भाई दुलिया से लाई है। अच्छा दुलिया से लाई, ओके। वो एक्वेरियम शॉप से लाई है भाई, कितनी खतरनाक है यार, ज़बरदस्त है यार। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार, क्योंकि ना हमारी इतनी बड़ी कैटफिश, अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ एक दो दिन के लिए, यहीं पे रहेगी हमारी ये कैटफिश, दोनों साथ में रहेंगी। तो छोड़ो भाई छोड़ते हैं, फिर हम इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे जल्द से जल्द। पहले इनका पानी सूट कर लेते यार। तो मैं अभी इसे छोड़ रहा हूँ, चल बाय 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 साहब। इलेक्ट्रिशियन भाई आ जाएंगे हम, जब फिश रूम जब हम शिफ्ट कर लेंगे तब हम हमारी कैटफिश वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। और हमारी यहाँ पे गप्पी फिश भाई, इनका अपडेट आपको दे दूँ यार, तो यहाँ पे हमारी इतनी सारी गप्पी फिश है भाई, मुझे पता नहीं था यार गप्पी फिश यहाँ पे होगी, क्योंकि मैंने उस दिन जब पकड़ी थी ना यहाँ से, बट जो नहीं मिली थी यार, मतलब कल परसों की वीडियो में आपने देखा था यार मुझे नहीं मिल रही थी। तो आज देख सकते हो कितनी ज़्यादा गप्पी फिश ऊपर आई है, उनके साथ हमारी शॉर्ट टेल वगैरह भी सब कंफर्टेबल हो गई है, मतलब कोई दिक्कत नहीं इनको। और अभी ये जो गप्पी फिश भाई, मैं रात को फिर से पकड़ लूँगा और हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ की भी जो गप्पी फिश है ये भी कम्फर्टेबल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जाना है हमें हमारे एलिगेटर गार को कुछ खाना लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज ट्यूसडे है और आज इसको हम फीड करेंगे। तो चलते हैं भाई फीड लेने के लिए और जल्दी से जल्दी चलते हैं। चलो हमारी जो मुर्गियाँ है भाई ये छोड़ देते हैं भाई, इनके मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई इनका आप नाम कुछ रखो, तो भाई बहुत सारे भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया भाई, अलग अलग तरह के भाई नाम इनके मुझे सजेशन में आए, कमेंट्स में आए आपके। तो ठीक है मैं भी इनके बारे में रात को सोचूंगा, सबके कमेंट्स पढ़ूंगा फिर से, और मैंने मतलब नोट कर लिया है कि भाई किसने क्या नाम रखा है, तो भाई हम सोचेंगे और फिर हम वो नाम रख देंगे। हमारे जो पिजन्स है पिजन्स को भी मैं छोड़ देता हूँ और फिर जाते हैं एलिगेटर गार को उनका खाना लेने के लिए। चलो आओ आओ आओ, ये उड़ा इतना खाना किसने डाला, इतना ज़्यादा खाना डाल दिया ना घर वालों, कोई ऊपर आया था और इतना ज़्यादा खाना डाल के गया यार, हट मुझे अच्छा नहीं लगता यार इतना खाना इनको देने के लिए। तो हम हमारी जो एलिगेटर गार है, गार के लिए हम कुछ खाना बिना नहीं खाते हैं भाई, देखते अभी क्या। मार्केट से आ गया और हमारे हैमस्टर के लिए मैंने तमवीर मतलब एक कोरिंडर आती है भाई, ये मैं इसके लिए लाया हूँ, पूरा का पूरा मैं डाल देता हूँ। हमारे साथ स्कैम हुआ है भाई, ये थोड़ी बड़ी जोड़ी और एक छोटी है। हमारे एलिगेटर गार के लिए कुछ फिश लाई है जो कि मैं अभी उसे देने वाला हूँ, तो चलो भाई देते हैं चल से चल भाई। ये बहुत ही ज़्यादा भूखा है यार ये, मतलब इसे हफ्ते में एक बार फीड होती है। ओए भाई साहब अटक देखो भाई का, होए 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 होए, मैंने हमारे जो एलिगेटर गार में है ना गप्पी भी छोड़ी है, तो आप ये देख सकते हो ये जो गप्पी पीस है भाई, ये है स्नेक गप्पी जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी, तो मैंने इसके साथ छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़े मॉस्किटोज वगैरह के लार्वे नहीं हो सकते, मैं गप्पी इसलिए डाला हूँ और एलिगेटर गार इसके साथ आराम से रह रहा है। जल्दी चलना चल ले। ओ भाई साहब जबरदस्त अटैक करता है भाई, टुकड़े का। ये हमारी एलिगेटर गार की फीडिंग, बहुत सारे भाइयों को देखना था भाई एलिगेटर गार की फीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रही थी भाई आप एलिगेटर गार को खाने को ही नहीं देते भाई, मैं देता हूँ हफ्ते में एक बार देता हूँ उसे सिर्फ, ठीक है तो उसका पेट फुल हो जाता है, मतलब वो खाता नहीं है इसे, अभी मैं कल डालूंगा ना कल नहीं खाएगा, परसों डालूंगा नहीं खाएगा, संडे के दिन ही खाता है वो। अभी आपको मिलता हूँ कल मॉर्निंग में, ठीक है यार। गप्पी फिश देख सकते हो और कितनी ज़्यादा गप्पी फिश है यहाँ पे भाई साहब, कितनी ज़्यादा है ना, मतलब कह रहे 200 के आसपास होगी यहाँ पे गप्पी अभी, 200 250 हाँ ना यार।
ओ भाई इनको भी सबको पकड़ना है भाई रात को, और हमारे गप्पी पॉन्ड में इनको शिफ्ट करना है भाई साहब। अभी हो गई है मॉर्निंग और हमारे पिजन्स को वगैरह मैंने खाना डाल दिया। और भाई मैं आज है ना, हमारे जो पिजन के एग है ना, वो मतलब हैच होंगे या नहीं वो देख लेता, मतलब उनके अंदर कोई नस वगैरह बनी है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। भाई चलो चलते हैं अंदर। ओए भाई साहब, ओए ओए, ये किसने डाल दिया भाई ये पाइप यार। हमारे लक्खा पिजन के एक चेक करेंगे भाई कैसे एग्रेसिव। ओ भाई एक मिनट भाई, सिर्फ अंडा चेक करना यार तेरा। एक मिनट भाई 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 भाई, तो भाई मैंने पहला अंडा उठा लिया और ओ भाई हे भाई इसमें बच्चा है, मतलब एक दो दिन में हैच हो जाएगा, पूरा ही हो गया है काला अंदर से। अबे तेरा ये अंडा यार क्यों चोच मार रहा है यार। ओ भाई ये भी हैच होगा, देख पूरा है, देख पूरा रेड रेड है, रेडनेस है अंदर, मतलब भाई इसमें बेबी बन रहा है और ये ब्रीड हमारा सक्सेस होगा भाई। यार जल्द से जल्द हमारे लक्की पिजन के बेबी आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सिराज ने नहीं दिए और यहाँ पे हमारा बेबी कितना बड़ा हो गया। ये भी लक्की पिजन का बेबी है, आपको पता ही है यार। ओए होए होए कितना बड़ा हो गया यार ये वाला पेयर इसको संभाल रहा है और बहुत अच्छे से संभाल रहा है, बहुत अच्छे से इसकी केयर भी हो रही है, खाना पीना एकदम बढ़िया से आता। उस साइड वाले केज में और वहाँ के भी एक मैं देख लेता हूँ यार। पाइप निकाल यार, बहुत अड़चन करता है यार, इसमें बैठते भी नहीं यार वो, क्यों डाल दिया यार तुमने। मैं जाता हूँ अंदर और देखता हूँ। ये लो जी यहाँ पे नहीं है एक, और यहाँ पे हमारा कल्लू के चेक करते सबसे पहले। भाई दो डोर लगा लिया, ये बाहर निकल जाए। कल्लू एक मिनट भाई, कल्लू 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 ज़्यादा गुस्सा मत कर, दिखा भाई इसको मैं रखता हूँ। और ये देखो भाई इसमें नस बन रही है, देखो देखो रेड वाली, ये देखो मतलब ये अंडा हमारा हैच होगा भाई। ओके अब दूसरा चेक करते हैं। होए 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 भाई, मतलब हमारे यार, चल भाई तू भी आ जा भाई, ये थोड़ा बड़ा है यार, शायद से मेल अंडा होगा। ये देखो भाई इसमें भी बन रही है, देखो देखो ये देखो पूरा रेडनेस आया है आपको मैं, किल हो जाता है यार, ये नाजुक काम होता है बहुत। ये देखो दिखा आपको, ये है भाई अंदर बेबी बन रहा है, मतलब भाई ये ले ले चले, अच्छे से इनक्यूबेट कर रहे हैं भाई ये, मतलब अभी इसका भी चेक कर लेते हैं। ये वाले पिजन ने भी दिया था हमारे ब्लैक और वाइट ने, एक मिनट भाई इसका भी बन रहा है, देख 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 ये नस दिख रही है यहाँ पे, ये देख भाई ये जो आपको छोटे छोटे वेंस दिख रहे हैं ना भाई, मतलब ये बन रहा है भाई बेबी, मतलब ये अंडे खराब नहीं होंगे। अभी ये दूसरा भी ले लेता हूँ मैं भाई, ये कितना बड़ा अंडा है भाई साहब। ओए इसमें भी बन रहा है, ये देखे देखे देख, ये देखो भाई इसमें भी हमारा बेबी बन रहा है, ये देखो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ओके भाई ये भी रख देते हैं भाई, अच्छे से इंक्यूबेट करना, और ये गुस्सेल वाले के भी चेक कर देते भाई। भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज़्यादा गुस्सा मत कर, यहीं पे चेक कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा गुस्सा कर रहा है भाई। हाँ भाई इसमें भी है, देखो इसका भी वेंस आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब ये भी अच्छा है। और यहाँ पे दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। लो जी दोस्तों इसका भी वेंस अभी बन रहा है। ओके फाइन, ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है। फाइनली दोस्तों हमारे पास करीबन भाई एक दो और तीन और वहाँ पे चार, मतलब हमारे पास टोटल 8 बेबी पिजन आएंगे। अगले हफ्ते से हमारा हैचिंग चालू हो जाएगा, सबसे पहले हमारे लकी पिजन के बेबी आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है यार, क्योंकि भाई पिछली बार भाई आपने देखा था यार हमारा एक भी बेबी बच नहीं पाया था। आपको पता है भाई इस बार हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और इनकी ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा लेवल की, जल्द से जल्द हैच हो जाए यार ये। बहुत सारे भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे भाई हमारे मुर्गियों को लेकर, और भाई मैंने इसका नाम जो है भाई डिसाइड कर लिया है। बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे भाई इनका नाम लेला और मजनू रख दो, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे, ठीक है इसका नाम डिसाइड कर लिया है भाई मैंने। फीमेल का नाम रखा है भाई लिली, मतलब लेला आप बोले थे तो भाई मैंने लिली नाम रखा है, क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं रखना है, ठीक है हमें कॉफ़ी करके किसी का नाम नहीं रखना है। ओके इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट भाई लिली अच्छा है, ठीक है इसका नाम हम फीमेल का नाम हम रख देते हैं लिली। और जो हमारे पास मेल मुर्गा है उसका नाम हम क्या सोचे थे यार, हमने हमारे जो मुर्गा है उसका नाम रख दिया है ईगल और लिली। ओके अच्छा नाम होगा भाई, ठीक है
ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स यार लेला मजनू रख दो, बट इनको इतना सूट नहीं कर रहा था। तो भाई अभी इसका नाम होगा ईगल और इसका नाम होगा लिली। तो चलो भाई आ जाओ, ईगल और लिली बाहर आ जाओ, आओ 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 आओ। ये देखो भैया हमारे आ गई लिली और उसके साइड में हमारा आ गया ईगल। तो अच्छा नाम होगा, तो भाई आप जरूर मुझे कमेंट करना कि अच्छा नाम रखा है भाई, नहीं तो अपन नाम भी चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे भाइयों ने मुझे बोला कि आपके रैबिट का नाम स्नो ही रखो, ठीक है। तो भाई उसका नाम भी हमने नामकरण कर दिया, उसका नाम हम स्नो रखेंगे और उसको जो फीमेल लाएंगे ना उसका उसकी फीमेल का नाम हम स्नो ही रखेंगे। ओके, वो शैतान वहाँ पर बैठा है फिलहाल, तो उसका नाम अभी शैतान रखा है, बट इसको हम स्नो कह के हम पुकारेंगे, ठीक है। में और मुर्गियाँ ऐड होंगी, बट थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइड वाले सेटअप में मुर्गियाँ, जब साइड वाला सेटअप हम स्टार्ट करेंगे ना, तब हम वहाँ पे डॉग्स, मुर्गियाँ और बहुत सारे टर्की बर्ड्स वगैरह सब जितने भी बर्ड्स आते हैं बड़े बड़े, हम सब ऐड करेंगे वहाँ पे। ओके, अभी फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ हमारी लिली रहेगी और हमारा ईगल रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमारे एलिगेटर गार को फीड किया और हमारे कबूतर के जो एक थे वो चेक करे और सबके सब सही सलामत है और सबके सब जल्द से जल्द हैच होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और नाम अच्छा लगा हो ईगल और लिली तो वो भी लाइक करो। चलते हैं।